वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ए 11, बी 7, सी 5 या डी 16? आंसर बी 7। पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 को 7 लोगों को प्रदान किया गया है। सबसे अधिक 4 पुरस्कार सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है? ए आनंद महिंद्रा, बी मैरी कॉम, सी पीवी सिंधु या डी एससी जमीन। आंसर बी मैरी कॉम। मैरी कॉम को पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वह पद्म भूषण पुरस्कार 2020 की सूची में नहीं है। पद्म भूषण पुरस्कार 2020 विजेता सुश्री कृष्णमल जगन्नाथन किस क्षेत्र से संबंधित है? ए वास्तुकला, बी खेल, सी साहित्य और शिक्षा या डी सामाजिक कार्य। आंसर डी सामाजिक कार्य। सुश्री कृष्णमल जगन्नाथन तमिलनाडु की एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने गरीबों, भूमिहीनों, लोगों के जीवन के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत की है। विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी स्पीकर या डी लोकनेता। आंसर ए भारत के राष्ट्रपति। पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? ए श्री छन्नूलाल मिश्रा कला, बी सर अनिरुद्ध जुगनौत जी सी एस के सार्वजनिक मामले, सी श्री विश्वश्रेष्ठ स्वामी जी साहित्य और शिक्षा या डी श्री जॉर्ज फर्नांडिस मारो उपरांत सार्वजनिक मामले। आंसर सी श्री विश्वश्रेष्ठ स्वामी जी साहित्य और शिक्षा। भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? ए भारत रत्न, बी पद्म विभूषण, सी पद्म भूषण या डी पद्मश्री। आंसर डी पद्मश्री। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए गए हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्मश्री भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार है। यह उल्लेख करने के लिए कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई? ए 1948, बी 1954, सी 1965 या डी 1985। आंसर बी 1954। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल की जाती है। पद्म पुरस्कारों के विजेताओं का चयन पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। ये पुरस्कार 1954 में स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए अधिकतम 3 व्यक्ति किसी भी वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जा सकते हैं। दूसरा, पद्म पुरस्कार समिति का गठन भारत के राष्ट्रपति
द्वारा हर साल किया जाता है। ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा दोनों, या डी न तो पहला और न ही दूसरा। आंसर ए केवल पहला। किसी भी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। वर्ष 2019 में 3 व्यक्तियों प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को यह प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित अभिनेत्रियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? ए कंगना रनौत, बी प्रियंका चोपड़ा, सी माधुरी दीक्षित, डी शिल्पा शेट्टी। आंसर ए कंगना रनौत। कंगना रनौत को पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? ए 118, बी 141, सी 116, डी 156। आंसर बी 141। वास्तव में पद्म पुरस्कारों में 3 श्रेणियां शामिल है, इसलिए कुल 141 लोगों को पद्म पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है।